गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह का 6:30 हो रहा है। चलिए थोड़ा सा फ्रेश होकर पानी पी लेते हैं। और मैं उठी थी 4 बजे, हस्बैंड गए हैं मॉर्निंग शिफ्ट, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने उठी थी, तो तब से जगी हुई हूँ एक बार उठने के बाद, और नींद नहीं आता है। तो अभी उठ के थोड़ा सा सोचा कि चलो चाय पीते हैं। और ये देखिए उस मनी प्लांट का पौधा जो मैंने लगाया था, उसमें कितने अच्छे से जो रूट है वो ग्रो हो रहा है। और अभी मैं अपना थोड़ा सा बाल जो है ना वो बांध लेती हूँ, वरना सुबह से वैसा ही रह जाती हूँ पागल की तरह। तो सुबह उठ के थोड़ा सा ऑयलिंग कर लिया और बाल भी थोड़ा सा बांध लिया। अभी मैं बाकी का काम करूँगी। और इतना जल्दी उठने के बाद ना पेट में चूहे दौड़ने लगता है, तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं सुबह उठने के बाद। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे बच्चे पूरा दिन में क्या खाते हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि हम जो खाते हैं वही उनको भी खिलाए, बट जैसे कि आज मैंने सुबह नाश्ते में बनाया था पोहा, तो वो तो नहीं खाते हैं। तो चलिए, मेरा गर्मा गर्म चाय भी दे रेडी हो गया है, तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो मैं जो बोल रही थी कि वो दोनों नहीं खाते हैं, तो आज उनके लिए कुछ अलग बनाएंगे ब्रेकफास्ट में। तो दोनों बच्चे मेरे उठ चुके हैं, अभी 8:30 हो रहा है। तो अभी उनको ब्रश करवाने के बाद मैं अभी दूंगी उन दोनों को दूध, फिर उनके लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो आज उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ डालिया। और अभी डुगू सब कुछ खाने लगा है, तो मैं बेटू जो खाती है वही देती हूँ डुगू को भी। तो आज डालिया खिचड़ी बना दूंगी दोनों के लिए, साथ में बॉयल्ड एग। तो चलिए, कुछ सब्जी जो है मैं वह काट कर लेती हूँ उनके खाने में। तो मतलब कद्दू, गाजर, फिर बीन्स और पीज यही ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने आलू भी थोड़ा सा ले लिया है, टमाटर, आलू, बीन्स और पम्पकिन। यहाँ पे थोड़ा सा जो डालिया और दाल है वो भी बॉईल कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल दिया है मैंने, सरसों का ऑयल। मतलब ये ऐसे फोड़न देने से, जीरा फोड़न दे के थोड़ा सा फ्राई करके बनाने से ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे बॉयल करने पर इतना अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा भून दिया ऑयल में, और बच्चे को भी थोड़ा बहुत ऑयल देना ज़रूरी होता है इस टाइम पर। थोड़ा सा जस्ट ऑयल दे के बना लिया मैंने, अभी पानी दे के इसे ढक दूँगी। तो यहाँ पे उन दोनों का ब्रेकफास्ट तैयार। तो चलिए, दोनों को ही मैं फटाफट से खिला देती हूँ, एक ही प्लेट में दोनों का हो जाएगा। किसी दिन अगर लेट हो जाता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, फटाफट से दोनों को एक ही प्लेट से एक ही खाना खिला देती हूँ। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, क्योंकि बड़ा दिक्कत था डुगू का। तो डुगू तो अभी सब कुछ खाने लगा है, तो कोई बात नहीं है। अभी देखिए नाचने लगा है मेरा बेटा तो डांस कर रहा है अभी। तो गाइस, आज सोचा कि हम अभी लंच में क्या बनाएंगे, ब्रेकफास्ट तो हो गया, फिर अभी सोच रही हूँ कि चलो आज खिचड़ी बना देते। सब कुछ था, सब्जी वगैरह जो खिचड़ी के लिए लगता है। और इस महीने हमने खिचड़ी नहीं बनाया, पूरा विंटर में हमने खिचड़ी नहीं बनाया है। तो चलिए बनाते हैं आज। और चिकन वगैरह तो कुछ है नहीं, बट सिंपल सा खिचड़ी और ऐसे कुछ बैंगन टेंगन थोड़ा बहुत फ्राई कर देंगे। तो सब्जी काट के मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, चावल दाल भी अच्छे से धो लिया है। यहाँ पे मैंने दाल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, चावल थोड़ा सा कम लिया है। तो चलिए इसको अच्छे से वॉश करते हैं और चढ़ा देते हैं गैस पर। इसे अभी ढक देंगे ताकि ये अच्छे से बॉयल्ड हो जाए, फिर बाद में सब्जी ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम बैंगन फ्राई करेंगे आज, थोड़ा सा अलग तरीके से फ्राई करेंगे। मतलब वैसे तो मैं ऑयल में डीप फ्राई करती हूँ, बट आज नहीं करूँगी, आज सेलो फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसाला भी डाल दिया था, और यहाँ पे टमाटर काट लिया है, चटनी बनाएंगे। तो हमारा जो पानी था वो बॉयल्ड हो चुका है। चलिए अभी सब्जी छान के सब्जी भी डाल देते हैं हमारे खिचड़ी में। और ऐसे खिचड़ी बनाने से क्या आता है, जो बॉयल जब हो जाता है तो हम बच्चे को भी खिला सकते हैं, और एकदम एक साथ भून के अगर चढ़ाएंगे तो फिर उनके लिए भी अलग कुछ बनाना पड़ता मुझे। तो पहले मैं खिचड़ी को अच्छे से बॉयल कर लेती हूँ, थोड़ा सा पाउडर मसाला भी दे रही हूँ मैं इस टाइम पे, ताकि वो लोग खा पाए। और फिर मैं बाद में मसाला भून के इसमें डालूँगी, तो दोनों का ही हो जाएगा, दोनों का मतलब हम चारों का ही एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल दिया है, और चारों बैंगन एक साथ दे दूँगी। बैंगन ज़्यादा फ्राई नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा कम ही कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड और मेरे लिए, बच्चे खाएंगे नहीं। इसको अभी मैं ढक के पकाएंगे, तो दोनों साइड से अच्छे से पकाएंगे तो हो जाएगा। अभी देखिए अच्छे से बॉयल्ड हो रहा है। इस टाइम पे मैंने थोड़ा सा इसमें पीनट डाल दिया, खिचड़ी में मुझे अगर पीनट डालूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खिचड़ी में पीनट डालना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो यहाँ पे देखिए बैंगन हमारा फ्राई हो चुका है एकदम कम ऑयल में। तो ऐसे भी बैंगन फ्राई खाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने चटनी भी बना लिया है विदाउट डेट्स वाला, सोचा था कि डेट्स लाऊंगी पर मिला नहीं दुकान में। तो चलिए यहाँ पे देखिए गाइस मैंने मसाला भी फ्राई कर लिया है, अभी इसको हम खिचड़ी में डाल देंगे। और खिचड़ी हमारा पक चुका था तो दोनों बच्चों के लिए मैंने थोड़ा बहुत करके खिचड़ी जो है वो उठा के रख लिया है, और ताकि मतलब उनको तीखा लगेगा। मसाला में मैंने थोड़ा सा मिर्च डाला है, हस्बैंड को थोड़ा सा अगर तीखा ना हो तो अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से उन दोनों को लिए थोड़ा सा खिचड़ी उठा के फिर मैं मसाला जो है वो खिचड़ी के साथ मिक्स कर दूंगी। और आज ना मैंने सुबह ही नहा लिया था, तो नहाने के बाद मैं आज लंच बना रही हूँ। तो ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ आज, पता नहीं सुबह से लेट ही हो रही हूँ मैं आज। तो चलिए मसाला मैंने मिक्स कर दिया है, अभी इसको क्या करूँगी अच्छे से मिक्स करने के बाद तो ढक के थोड़ी देर पकाऊँगी लगभग 5 या फिर 10 मिनट के लिए, तो हमारा जो खिचड़ी है वो एकदम तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए खिचड़ी एकदम रेडी हो गया है, सारे जो सब्जी है वो भी रेडी हो गया है, अभी सिर्फ पापड़ फ्राई करेंगे और लंच करेंगे। लंच करने के बाद आज कोई भी नहीं सोया है, डुंगू सोया था पर अब वो जल्दी उठ गया, और हस्बैंड का 4 बजे मीटिंग है तो वो भी नहीं सोए हैं, तो अभी नाच रहा है डुंगू, बेटू मुँह से गाना गा रहा है और वो नाच रहा है। तो चलिए अभी फिर बाद में शाम का काम किया, बच्चे को दूध पिलाया और बेटू को अभी मैं बैठी हूँ पढ़ाने के लिए। हस्बैंड अभी तक आए नहीं है, वो बोले थे कि 7 बजे आएंगे और उनको बुलाया है मैंने थोड़ा सा चिकन लाने के लिए कि, और फिर हम बनाएंगे आज रात का डिनर। तो हम अभी आ चुके हैं किचन में, तो वो चिकन भी लाए हैं, तो सरस्वती पूजा से पहले चिकन बनाए थे अभी बना रहे, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई दुकान नहीं कि मैं जाके लेके आऊँ, तो हस्बैंड को जब टाइम मिलता है तभी लाते हैं। तो यहाँ पे आए हैं चिकन, थोड़ा सा मैं रख रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, कल थोड़ा सा घुगनी वगैरह हो जाएगा तो थोड़ा सा रख दिया। और अभी मैं बना रही हूँ रोटी, आज चिकन करी है तो डुगू को रात को मैं कैसे चिकन दूँ, क्योंकि आज दोनों टाइम उसने खिचड़ी खाई थी, तो आज और रात को मैं उसको खिचड़ी नहीं दे रही हूँ, तो दूध रोटी तो उसको दे रही हूँ प्लेन, वरना तो वो चिकन भी खाना पसंद करता है, वैसे तो वो हमारे साथ खाएगा ही चिकन जितना भी अब तीखा बना लो। तो यहाँ पे ऑयल में मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ, मसाला वगैरह सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है, अभी चिकन को मसाले के साथ थोड़ी सी भूनेंगे और आज थोड़ा बहुत लिक्विड टाइप ही चिकन बनाएंगे, रोज़ एक सा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत किसी दिन थोड़ा सा मतलब सूखा टाइप चिकन या फिर किसी दिन थोड़ा सा ग्रेवी टाइप चिकन अच्छा लगता है। चिकन भूनते भूनते मैं डुगू को भी अभी यहाँ पे ही खिला रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप मैंने बोला कि 7 बजे हस्बैंड आए थे, तो फिर काम करते करते फिर थोड़ा सा एक बात भी हुआ, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बेटू को भूख लग गई थी तो थोड़ा सा एक रोटी उसको खिला दिया कि तुम अभी खाओ, चिकन थोड़ा सा पकने में लेट है। फिर चिकन अभी बन गया है, अभी टाइम हो रहा है 10, तो आप समझ सकते हो कितना लेट हो चुकी हूँ। तो चलिए बेटू को फटाफट से मैं डिनर करवा देती हूँ, फिर हम लोग करेंगे, फिर सुबह तो है ही हस्बैंड का मॉर्निंग शिफ्ट, कल 3:30 बजे उठना है। तो चलिए गाइस अभी खिला देते हैं, और देखिए हम बैठे हैं ना बेटू को खिलाने, तो डुगू भी खाएगा, ज़रूर खाएगा, तो उसको भी मैं चिकन रोटी खिलाऊंगी। पर ये थोड़ा सा आज मैंने मसालेदार बनाया तो उसको मैं ज़्यादा दे नहीं रही हूँ, थोड़ा बहुत ही। तो चलिए हम भी डिनर करते हैं गाइस, और इस ब्लॉग को ओपन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज मेरा मन भी थोड़ा सा ख़राब है, वो क्यों नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ। बाय बाय गाइज़।